हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, हम आज के एडिटिंग में कुछ इस टाइप से डार्क ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडिटिंग के लिए मैं अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन होने के बाद आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से ऐड फोटोज पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से हमें फाइल पर क्लिक करके यहाँ से आपको कोई सा भी एक इमेज को सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ से ऑल फोटोज़ पर क्लिक करके हमें इस फर्स्ट वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर देना है। अब हमारा फ़ोटो लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। अब फ़ोटो ओपन होने के बाद हमें सिंपली यहाँ से इस लाइट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसके एक्सपोजर का हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, और इसके कॉन्ट्रास्ट को हम पूरा 100% बढ़ा देंगे, और इसके हाइलाइट्स को हम रखेंगे थोड़ा कम, और इसके शेडोज को भी हम थोड़ा कम ही रखेंगे, और इसके वाइट्स को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। अब हमें यहाँ से इसके ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ओके गाइस, अब हमें यहाँ से इस कलर वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें इसके वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को करेंगे हम थोड़ा सा कम, ओके गाइस। अब हमें इस मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ से रेड कलर के सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। अब हमें ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम इसकी ह्यू को थोड़ा कम करेंगे, और इसके सैचुरेशन को हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे। अब हमें सिलेक्ट करना है येलो कलर को। येलो के ह्यू को हमें पूरा 100% माइनस रख देना है, और इसकी सैचुरेशन को भी हमें -100 रखना है। अब हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें ग्रीन की सैचुरेशन को पूरा 100% माइनस रख देना है, और यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस को हम थोड़ा कम रखेंगे। अब हमें सभी कलर की सैचुरेशन को पूरा 100% माइनस कर देना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। अब हमें सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम इसकी क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे, ओके गाइस। अब हम डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ से इसकी शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओके गाइस। हमारा फोटो एडिट हो चुका है। ये देखिए बिफोर, ये देखिए आफ्टर। अब हमारा फोटो सेव करने के लिए हम जाएंगे इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव टू डिवाइस, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपना फोटो गैलरी में सेव कर लेंगे, ओके।